पाब्लो एस्कोबार का नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। वो 80s का बहुत ही बड़ा कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था। उसी की लाइफ पर लविंग पाब्लो ये 2017 की एक हॉलीवुड मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसने इतना सब कुछ किया था कि अगर उसकी लिस्ट भी बनाई जाए फिर भी 2 आवर्स की मूवी बन जाती है। उसका फॉल कैसे हुआ, वो कैसे पकड़ा गया, यही आज की मूवी एक्सप्लोर करेगी, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी मूवी स्टार्ट होती है और ये सारी स्टोरी हमें एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था वर्जीनिया ये बता रही थी। वो पहले पाब्लो की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हमें 1993 दिखाया जाता है। वर्जीनिया अपनी कंट्री में सेफ नहीं थी तो वहां से वो भाग रही थी। उसके साथ एक DEA एजेंट भी था जिसका नाम है शेपर, यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। उसे फिर अमेरिका आए और उसे होटल में रखा जाता है। पाब्लो के खिलाफ वर्जीनिया सब गवाही देने वाली थी, उसने जो भी किया था ये सारी चीजों के बारे में उन्हें बताने वाली थी। इसी वजह से वो अनसेफ थी, उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा था। वर्जीनिया का सर बहुत ही ज्यादा दुख रहा था तो एस्प्रिन मांगती है, पर DEA एजेंट ने उसे कहा कि यहाँ पर एस्प्रिन एज ए ड्रग ट्रीट किया जाता है, इस वजह से तुम्हें नहीं मिल सकता। इस पर वर्जीनिया बहुत हंसी, उसने कहा कि अगर ये बात पाब्लो सुनता तो पहले हंसता और उसके बाद आप सबको मार डालता। और इसी के साथ अपना पास बताना स्टार्ट करती है। अब मूवी में हमें 1981 का पीरियड दिखाया जाता है। पाब्लो अपने बहुत ही शानदार से घर पर राइड कर रहा था, उसका एक आदमी हॉर्स से टकरा गया तो तकलीफ में था तो उसे वो मार डालते हैं। इसके बाद घर में हमें पाब्लो की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम है मरिया। मरिया स्विमिंग पूल के बाहर देख रही थी, उसका बच्चा पाब्लो के आदमी के साथ खेल रहा है। उसे बात सही नहीं लगती, वो पाब्लो से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार बताया कि अपनी फैमिली और बिजनेस को अलग अलग रखा करो। पाब्लो उसे माफी मांगता है पर फिर भी आज रात पार्टी थी जिसके लिए रेडी हो रहा था। वो घर से बाहर निकला, उसने एक पेनी स्विमिंग पूल में डाली, अपने बेटे को उसे ढूंढने के लिए कहा। उसका बेटा अब कुछ भी नहीं सुनेगा तो अपने आदमियों से वो बात करता है। एस्कोबार ने कुछ एजेंट्स को मारा था, उसकी कुछ फाइल्स थी, उसे बर्न करने का काम वो अपने आदमियों को देता है। इसके लिए कितने भी पैसे लगे ये सारा कुछ वो फंड करने के लिए रेडी था। इसके बाद हम वर्जीनिया को उसके पास आता देख सकते हैं। वो एक जर्नलिस्ट थी तो उसका आज इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। वो बाहर आते ही पाब्लो के आदमियों के गन्स वगैरह देखकर बहुत ही डर जाती है। पाब्लो भी उसे लेने के लिए आया हुआ था पर उसे लगा कि उसका वो सर्वेंट है, तो कहती है कितने सारे गन्स यहाँ क्यों है, तुमने मुझे डरा दिया। इस तरीके से किसी को भी वेलकम नहीं करते। पाब्लो ने कहा कि एनिमल्स के लिए है। घर जाते वक्त सारे एरिया की उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है। रात में पाब्लो की शानदार पार्टी वर्जीनिया ने अटेंड की। जब पाब्लो का आदमी उसे पाब्लो को दिखाने के लिए लेकर गया तो सरप्राइज थी। पाब्लो से कहता है तुम टीवी से रियल लाइफ में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। वर्जीनिया ने कहा कि तुम्हारे पास्ट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। पाब्लो कहता है कि पास्ट को लेकर हमें क्या करना है, फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं गरीबों के लिए 2000 घर बनवाने वाला हूँ, इसके बारे में तुम्हें मुझसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। वर्जीनिया को पाब्लो के सारे इलीगल बिजनेस के बारे में पता था, पर पाब्लो उसे एक जगह पर लेकर आया। वहां पर वर्जीनिया ने सारे गरीब बच्चों को देखा, उनके लिए पाब्लो एक घर बनाने वाला है तो बात उसे बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं से वर्जीनिया ने डिसाइड कर लिया था उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से पाब्लो अपने पैसे कमाता है, उन्हें यूज कैसे करता है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिन में ये दोनों एक डेट पर आए। पाब्लो को वर्जीनिया का हंसना बहुत ही पसंद था। उसे पूछता है क्या तुम्हारी शादी हुई है, वर्जीनिया कहती कि चॉइस से नहीं। वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है पर उसे डिवोर्स दे नहीं रहा। पाब्लो ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद वर्जीनिया के डॉक्टर हस्बैंड को बीच ऑपरेशन से उठवाकर जबरदस्ती डिवोर्स पेपर पर साइन करवाए जाते हैं। वर्जीनिया का शो चल रहा था तभी उसे ये न्यूज मिली। इसी डिवोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए पाब्लो और वो एक प्राइवेट आइलैंड पर आते हैं। ये दोनों इंटीमेट हुए उसके बाद ही पाब्लो रेडी होने लग गया था। एक्चुअल में यहाँ आने का रीजन कुछ अलग ही था। कंट्री के सारे माफिया यहाँ पर आए हुए थे। अब आगे का बिजनेस किस तरीके से करना है, कौन सा एरिया किसका होगा, इसकी सारी प्लानिंग उन्होंने आज बनाई। वर्जीनिया कहती है कि आज मैं इतने डेंजरस लोगों में थी पर फिर भी उसे बहुत ही सेफ लग रहा था। अब इसके बाद हमें 1982 दिखाया जाता है। किस तरीके से पाब्लो के ट्रक्स अमेरिका में आया करते थे ये हमें अब पता चलेगा। रोड के बीच में एक आदमी ने ट्रक खड़ा कर दिया, उसके बाद ऊपर से एरोप्लेन आया और वो हाईवे पर लैंड करता है। नीचे ऑलरेडी पाब्लो के आदमी वेट कर रहे थे, ये जल्दी से वहां पर पहुंचते और सारा सामान लेकर आते हैं। यही सब करते हुए कुछ सामान नीचे गिर गया था और पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है। एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। प्रेसिडेंट को लगता है इससे सारी यूथ खराब हो जाएगी, इसके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले थे।
इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एजेंट शेपर्ड को हायर किया गया। वो से कहते हम एक्सट्रैडिशन ट्रीटी को क्रिएट करने वाले, जिसे अमेरिका ने जान से पाब्लो को अमेरिका में अरेस्ट कर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और उसे यहीं पर सजा होगी। ऐसा करना उस वक्त इलीगल था, पर फिर भी ये ट्रीटी को क्रिएट करने वाले थे। इसके बारे में जब पाब्लो को पता चलता है तो इसे लेकर वो मीटिंग लेता है। उसने कहा कि अगर एक्चुअल में हुआ तो वो सब बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। इसके खिलाफ उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, पर ये फाइट उन्हें इनसाइड से करनी है। मतलब अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ होगी। पहले तो उसे सब लोग मना कर रहे थे, पर पाब्लो ने कहा कि अगर पॉलिटिक्स में जीतना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पैसे, हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हर एक पॉलिटिशियन को बहुत सारे पैसे देने लग गए। अगर दो पार्टीज खड़ी है तो दोनों पार्टीज को प्रोवाइड करते थे, यानी कि कोई भी जीते उन्हीं की सरकार आएगी। सुबह पॉलिटिशियंस के लिए पार्टी चलती थी और रात में स्मगलिंग। पाब्लो आजकल जो भी कर रहा था ये सब उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता। कहती है कि हमें और कितनी चीज़ें चाहिए, हमारे पास पैसे है, सब कुछ है, यह सब इनफ नहीं है। पाब्लो कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मेरा बेटा मुझ पर प्राउड होना चाहिए। पाब्लो की वाइफ नाराज़ थी क्योंकि उसे पाब्लो और वर्जीनिया के बारे में पता चल गया था। पाब्लो से प्रॉमिस करता है कि वर्जीनिया के साथ वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा। ये उसका सरासर झूठ था। इसके बाद पाब्लो बहुत ही अच्छे से इलेक्शन लड़ा, उसे एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। वो जब फर्स्ट टाइम असेंबली में आया तो बिना टाई के आया था, तो इस बात पर उसे रोक लिया जाता है। वर्जीनिया कहती कि यही हमारी कंट्री है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने टाई पहना है या नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट दिन में पाब्लो वर्जीनिया का बैग पैसों से भर रहा था। वर्जीनिया को लगा कि पाब्लो उसे पैसे स्मगल करने के लिए कह रहा है, पर पाब्लो से कहता है कि ये सारा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो इस बात से बहुत ही खुश हो गई थी। अब 1983 आ गया था, उसने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया था और पाब्लो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला कर देता। एक दिन पाब्लो अपने बेटे को ड्रग्स दिखाकर कहता है, कभी भी इन्हें ट्राई मत करना, कोई तुम्हें कितना भी फोर्स करे पर तुम कभी भी इसे टच मत करना, हम सिर्फ इसे सेल करते हैं। एक दिन वर्जीनिया से मिलने के लिए एजेंट शेबर्ट पहुंचता है। उसे पाब्लो के ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए कह रहा था, पर वर्जीनिया उसे कुछ भी बताएगी नहीं। उसे कहती है, तुम्हारी गवर्नमेंट इस इशू में इसलिए इंटरेस्ट ले रही है कि तुम्हारी कंट्री से सारा पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। तुम्हारी कंट्री में बाकी माफिया भी है, उसमें गवर्नमेंट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। वो फिर वहाँ से चली गई। वर्जीनिया फिर से पाब्लो से मिलने के लिए आई हुई थी, पर आज पाब्लो फिर से असेंबली में गया हुआ है। उसे अभी अभी जो पोस्ट मिली थी इसी को लेकर एक मिनिस्टर ने उसे रिव्यू पर डाला हुआ था, उसका सीट उसे छीन लिया जा सकता है। मिनिस्टर ने सब लोगों से कहा कि हमें पता है कि पाब्लो अपने पैसे कैसे कमाता है, उसे हम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने नहीं दे सकते। पाब्लो ने सबसे कहा कि मेरे खिलाफ किसी के पास भी सबूत नहीं है। इसके ऑपोजिट में मिनिस्टर को कैंपेन के लिए कैसे पैसे मिले, उसे किस किस ने फंड किया था, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मिनिस्टर पाब्लो की सारी बातों का मजाक उड़ाता है। पाब्लो की बदनामी देखकर मारियो को बात अच्छी नहीं लगती। उसे कहती कि रिजाइन कर दो और तुम कितना बर्बाद हो गए। मारियो कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पाब्लो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। रात में अचानक से एक प्रॉब्लम आ गया, पाब्लो ने दो पुलिस ऑफिसर को मारा था, इसकी फाइल बाहर निकल आई थी और इसी के बारे में पेपर में लिखा गया था। इस न्यूज़पेपर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए पाब्लो ने अपने आदमियों को कहकर ज़्यादा पैसे देकर इस सारे न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए कहा। जब ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तभी पाब्लो के आदमियों की गाड़ी पीछे रहती थी, इन्होंने सारे पेपर्स उठा लिए थे, पर फिर भी यह न्यूज़ दबी नहीं रही। न्यूज़पेपर उठाने का एक आदमी ने सही से काम नहीं किया था तो उसे वो मार डालते हैं। पाब्लो को जो मिनिस्टर ऑपोजिशन दे रहा था, सब लोगों के साथ मिलकर पाब्लो उसे मारने का प्लान बनाता है। एक रात जब पाब्लो और वर्जीनिया डिनर कर रहे थे तो उसे वो गिफ्ट देता है। वर्जीनिया ने ओपन किया तो इसमें गन थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो कहती कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। पाब्लो ने कहा कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, मैं अब जो भी करने वाला हो इसके बाद बहुत सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं, वो तुम्हें पकड़ने के बाद टॉर्चर करेंगे, इससे अच्छा ये होगा कि अगर तुम्हें वो दिखे इसके बाद ही तुम अपने आप को गोली मार लेना। वर्जीनिया इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। पाब्लो जब उसे नेकलेस देता था तो उससे उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो क्या करता था इस बात को इग्नोर कर देती थी, पर अब जब गन दी है तो सचमुच में वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ये मूवी बताती है कि हम जो भी करते हैं इसके कंसिक्वेंसेस तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट दिन में पाब्लो सिकारियोस के पास आया। यहाँ पर यंग लड़कों को पाब्लो के लिए काम करने के लिए रेडी किया जाता था, उन्हें इतने पैसे दिए जाते थे कि वो पाब्लो के लिए मरने के लिए और मारने के लिए रेडी थे। अब इन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है
अरे जाकर मिनिस्टर को मार कर आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन गई थी। पाब्लो का कंट्री में रहना मुश्किल हो गया था। वो पैनामा में जाकर रह रहा था और अब हमें 1984 दिखाया जाता है। उसकी कोलंबिया के वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग चल रही थी। वो डील कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को अलाउ ना करे, जिसे पाब्लो को अमेरिका में लेके जाकर वहाँ पर ट्रायल दिया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं कर दी तो पाब्लो गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे देने वाला था, पूरी कंट्री का लोन वो चुकाने वाला है। वाइस प्रेसिडेंट इसके लिए मना कर रहे थे तो पाब्लो ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो जंग होगी। इसके बाद पाब्लो की बेटी का कोलंबिया के बाहर ही जन्म होता है। उसने जो अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि उसकी बेटी सेफ रहेगी, ये प्रॉमिस वो फुलफिल नहीं कर पाया। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर गया और एक रात वो वर्जीनिया से मिलने के लिए कोलंबिया में आ जाता है। वर्जीनिया कहती है कि आजकल मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे थोड़ा भी सेफ नहीं लगता। उसे कहती है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। पाब्लो ने कहा कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, तूने इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो वर्जीनिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता था पर उसे मना कर देती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि पाब्लो ने कंट्री में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को मार दिया था। पाब्लो को मारने के लिए इनाम लगाया गया था, तो पाब्लो ने भी पुलिस के ऊपर इनाम रखा। जो भी पुलिस को मारेगा उसे वो बहुत सारे पैसे देने वाला था, जैसे पुलिस के रैंक हो वैसे और भी ज़्यादा वो पैसे देने वाला है। इसके बाद पुलिस कहीं भी किसी भी स्ट्रीट पर हो लोगों ने मारने लग गए। कंट्री में सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। पुलिस ने भी इन सब बातों को बहुत ही सीरियस ले लिया। उन्होंने भी पाब्लो के लिए काम करने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स को मार दिया था। पाब्लो को पकड़ने के लिए एक पूरी यूनिट ही क्रिएट की गई। इसका ऑपरेशन एजेंट शेपर्ड ही देख रहा था। पाब्लो की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पूरा यूनिट था, पर लोकल लोग कॉल कर पाब्लो की अलग अलग लोकेशन बताया करते थे, यानी कि वो कभी भी उसे ढूंढ ना पाए। एक दिन वर्जीनिया को उसके न्यूज़ चैनल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो पाब्लो के साथ है। उसके बॉस को धमकी देकर जाती है कि पाब्लो सारे ऑफिस को उड़ा देगा। वो जब नीचे आई तो एजेंट शेपर्ड फिर से उसे मिलता है। वर्जीनिया से बात करने के बाद उसे पता चला कि उसका जॉब चला गया है, तो शेपर्ड उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कहीं भी और जॉब नहीं मिलेगा। हमारे साथ कोऑपरेट करो और पाब्लो के बारे में हमें सब कुछ बता दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वर्जीनिया उसे कुछ भी नहीं बताती, पर आज वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये सब कुछ पाब्लो के आदमी जो उन पर नज़र रख रहे थे ये देख लेते हैं। इसके बाद वर्जीनिया ने पाब्लो को बहुत ही गुस्से में कॉल किया, उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। पाब्लो आजकल जंगल में छुप रहा था, वहाँ पर उसके लिए लोकल लड़कियाँ भी सप्लाई की जाती थी। उसमें से एक लड़की ने पाब्लो की लोकेशन बता दी और उस पर हमला कर दिया जाता है। उन्हें पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए हुए थे, वो हेलीकॉप्टर्स पर पंजे छोड़ देते हैं और उस वजह से वो क्रैश हो गया। पाब्लो के जो भी मेन आदमी थे इन सबको एक एक कर मार दिया जाता है। पाब्लो ने भी एक रेडियो स्टेशन को यूज़ कर पूरी कंट्री को धमकी थी। आरजे उसे पूछता है कि क्या तुम सचमुच में पाब्लो हो, तो पाब्लो ने कहा कि मैं बात कंफर्म कर सकता हूँ, आज रात तुम्हारे स्टेशन और तुम्हारी फैमिली को सबको मैं उड़ा दूंगा। आरजे भी उसे बहुत डर गया था। इसके बाद पाब्लो ने कंट्री में हर जगह पर पॉन्सपोर्ट किया। पहले तो लोग उस पर गुस्सा थे, उसे पकड़ना चाहते थे, पर फिर पाब्लो ने और भी ज़्यादा पॉन्सपोर्ट किया। फिर सारी कंट्री डर गई थी। वो गवर्नमेंट को कहने लग गए कि उसे जो चाहिए वो दे दीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट और पाब्लो के बीच में डील होती है। गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को अप्रूव नहीं करती और इसके बदले में पाब्लो को इसी कंट्री के एक जेल में रहना पड़ेगा। पाब्लो की इसमें और एक कंडीशन थी कि इस जेल का अंदर का सारा सप्लाई वो खुद करेगा। ये जेल उन्होंने एक 5-स्टार होटल की तरह ही बनवाई हुई थी। अपना सारा ड्रग्स का ऑपरेशन यहीं से अब वो मैनेज करता था। गवर्नमेंट को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसे अगर फुटबॉल खेलना होता तो प्रोफेशनल टीम उसके पास आ जाती और तब तक गेम चलता जब तक वो जीत नहीं जाता। उसके लिए लड़कियाँ मंगवाई जाती। संडे को उसकी फैमिली उसे मिलने के लिए आया करती थी। एक दिन उसकी बेटी उसे पूछती है, आप हमारे साथ घर पर क्यों नहीं रहते। मदर बहुत रोती है। फादर कहते कि मेरा कैसल है, यहाँ से मैं काम करता हूँ, मैं जब चाहे बाहर जा सकता हूँ। क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है, चलो हम आइसक्रीम लेने के लिए चलते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने लगा। गार्ड भी उसे डर कर बाहर जाने के लिए अलाउ कर रहा था, पर बाद में सारे पुलिस उसे अपोज करते हैं। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा था। वर्जीनिया के जॉब के जाने के बाद उसे अपना घर भी सेल करना पड़ता है। वो फर्स्ट लेडी के घर में रह रही थी पर वहीं पर भी वो सेफ नहीं थी। वो फिर पाब्लो को उसके जेल में मिलने के लिए आती है। उसे कहती कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकल जाना है। वो कुछ पैसे मांग रही थी। पाब्लो ने कहा कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। उसने वर्जीनिया को उसके साथ चलने के लिए कहा था, पर वर्जीनिया ने उसे मना किया, इस वजह से गुस्सा है। वर्जीनिया कहती कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ जाओगे।
पर बाद में पाब्लो को देखकर वो खुद ही डर गए। वो रोने लग गए, कहती है मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे ज़िंदा रहने दो। एक दिन पाब्लो की अपने पार्टनर के साथ मीटिंग चल रही थी। पाब्लो को उसके बिजनेस का जो भी कट मिलता था उससे ज़्यादा अब वो पाना चाहता था। उसके पार्टनर्स इस बात से उसे मना करते हैं। पाब्लो का शक था कि शायद ऑपोजिट गैंग के साथ वो काम करे, इसलिए उन्हें वो मार डालता है। गवर्नमेंट को जब पता चला कि पाब्लो ने जेल में रहकर किसी का मर्डर किया है तो ये बात बहुत ही बड़ा इशू बन गई। वो पाब्लो को पकड़ने के लिए आ रहे थे पर पाब्लो पहले ही वहाँ से भाग गया। पाब्लो और उसके आदमी खुद को डाउट कर रहे थे, क्या उसने सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। गवर्नमेंट खुद पाब्लो के आदमियों को उसके खिलाफ यूज़ करने लग गई। पाब्लो के जो आदमी जेल में थे उन्हें ही गवर्नमेंट ने पाब्लो को मारने के लिए हायर कर लिया। इसके बाद पाब्लो के सारे आदमियों को एक एक कर वो मारने लग गए। सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे। एक दिन वर्जीनिया पर भी हमला हुआ। उस पर लोग गोली चला रहे थे पर बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से बच जाती है। पाब्लो की जिंदगी पुलिस से भागते भागते गुजर रही थी, कोई भी सेफ नहीं था। ये बात उसकी वाइफ को सही नहीं लगती। इसके बारे में बात करते हुए पाब्लो ने कहा कि तुम सब लोग अब कंट्री से बाहर चले जाओ, यहाँ पर मैं हैंडल कर लूँगा। जब ये बात वर्जीनिया को पता चली कि पाब्लो की फैमिली इस कंट्री से दूर जा रही है तो डायरेक्टली वो शेपर्ड से मिलने के लिए आती है। उसने कहा कि अगर पाब्लो की फैमिली चली गई तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ जाएंगे, तुम्हें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए, उन्हें यहीं पर रोक लो। पाब्लो जब उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा तब तुम लोग उन्हें पकड़ सकते हो। यही चीज़ फिर शेपर्ड ने की। पाब्लो की वाइफ और बच्चों को जाने नहीं देते, हॉस्टेज कर उन्होंने उन्हें रखा हुआ था। पाब्लो जब उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो सारी बातें उनके सुन रहे थे। पाब्लो को जब ये बात रियलाइज़ हुई तो उन्हें वो बहुत गालियाँ देता है। फ़ोन ट्रैक करने से पहले ही 2 मिनट के अंदर उसने फ़ोन रख दिया, यानी कि उसकी लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पाए। एक दिन पाब्लो से रहा नहीं जाता, वो अपने बेटे को कॉल कर देता है। नीचे स्ट्रीट्स में पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी घूम रही थी। उसकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन उन्हें पता चलने लग गए तो वहीं पर वो घूमने लग गए। लकीली एक पुलिस पाब्लो को खिड़की में देख लेता है। वो जल्दी से उसके रूम में पहुँच गए और वहीं पर उसे मार डालते हैं। वर्जीनिया ने जो भी किया ये सब पाब्लो के खिलाफ उसका बदला था। मूवी के लास्ट में जज के पाब्लो के खिलाफ सब कुछ गवाही देने वाली थी। वो शेपर्ड से बात करते हुए कहती है कि पाब्लो से वो प्यार करती थी पर वो जो भी करता था इन सब चीज़ों को हेट करती थी। गलत चीज़ों का अंजाम बुरा ही होता है, इसका ये मूवी परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।